हेलो दोस्तों, एसएससी ने फाइनली अपने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जैसा कि एसएससी ने बोला था कि 22 तारीख को अपना कैलेंडर जारी करेगा, एंड दोस्तों आज कैलेंडर जारी हो गया है। तो चलिए देखते हैं एक झलक कि आखिर कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को होता है। दोस्तों तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एसएससी का दोस्तों ये टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन है। मैं बता दूँ टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन इट मीन्स दोस्तों ये डेट जो निकाली है ये 100% श्योर नहीं है। हो सकता है कुछ परसेंट चांसेस बनेंगे कि डेट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि टेंटेटिव का मतलब भी होता है कि संभावना, ठीक है, संभावित कैलेंडर है एग्जामिनेशन का। तो ये डेट जो दिया है लगभग मान के रखेंगे कि इसी डेट पे एग्जामिनेशन होगी, लेकिन बट ये टेंटेटिव कैलेंडर है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला एग्जामिनेशन दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले CHSL के बारे में बोला गया है, ठीक है। ये है CHSL के बारे में क्या बोला गया है दोस्तों, देखेंगे। CHSL जो 2019 का एग्जामिनेशन, दोस्तों याद कीजिए 2019 का एग्जामिनेशन आई थिंक कि मार्च में ही शायद दो दिन एग्जामिनेशन हुई थी, बट फिर कोरोना वायरस जो COVID-19 स्प्रेड होने के कारण फिर एग्जामिनेशन को टाल दिया गया था, पूरे लॉकडाउन के वजह से टाल दिया गया था। वही 2019 का CHSL का एग्जाम का डेट जो दोस्तों, जो हालांकि पहले SSC ने बता रखा था, ठीक उसी डेट पे दोस्तों यह एग्जामिनेशन होगी, 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच होगी दोस्तों, ठीक है। ये इसके बारे में हालांकि पहले ही नोटिफाई कर दिया था, एंड इस डेट को बिल्कुल चेंज नहीं किया है, उसी डेट पे एग्जामिनेशन होगी CHSL की। ओके, एंड सेकेंड है JEE का एग्जामिनेशन दोस्तों, जो पेपर वन है 2019 का, JEE 2019 का एग्जाम्स जो पेपर वन है वो दोस्तों होंगे 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। ओके, एंड दोस्तों देखेंगे CGL के बारे में, देखेंगे CGL दोस्तों यहाँ जो होंगे CGL का एग्जामिनेशन 2019 का, जो मेंस जिन्होंने नहीं दिया था, ओके, क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशन होना था, तो मेंस का एग्जामिनेशन Tier 2 का एग्जामिनेशन दोस्तों डेट रखी गई है 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में। ओके, एंड फोर्थ एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट के लिए है, राइट, सिलेक्शन पोस्ट के लिए है, और इसका एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। एंड दोस्तों 2019 का स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D का एग्जामिनेशन 2019 का है, ठीक है, इसका एग्जामिनेशन का डेट है 16 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में होंगे। एंड सिक्स में दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2020 का है दोस्तों, जी हाँ 19 का नहीं है, ये 2020 का है। इसका पेपर वन एग्जामिनेशन दोस्तों सीधा होगी 19 नवंबर को होगी, राइट। दोस्तों यहाँ देखेंगे इसका 2020 का ये था, ये देखेंगे इसका एग्जामिनेशन जो है ये 2020 का है, बट एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे ये नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन एग्ज़ाम कब होगी ये नोटिफाई कर दिया गया है कि 19 नवंबर से एग्जामिनेशन हो गए। इसका मतलब ये है दोस्तों इसका फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाला होगा, क्योंकि 19 नवंबर जाकर डेट दे दिया है, तो इसका मतलब है कि उसी डेट पर होगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही इसका भी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों एंड देखेंगे CGL का दोस्तों 2019 का टीयर टू ऊपर दिया गया था, एंड टीयर थ्री जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे वो 22 नवंबर को ही होंगे दोस्तों, जी हाँ 22 नवंबर को ही होंगे। यहाँ देख रहे हैं बहुत जल्दी दोस्तों हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, लगभग में देखेंगे दोस्तों 15-17 दिनों के अंदर ही दोस्तों ये पेपर Tier 3 एग्जामिनेशन होगी, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है CGL का बहुत जल्दी 15-17 दिनों के अंदर दोस्तों एग्जामिनेशन होगी। बहुत अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी ले ले एग्जामिनेशन, ताकि बहुत जल्दी आप लोगों को नौकरी भी लगे दोस्तों का, क्योंकि काफ़ी डिले चल गया है, 2020 तो काफ़ी बुरा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं,
अगला है दोस्तों सब इंस्पेक्टर सीपीओ का। दोस्तों ये सीपीओ का देखेंगे 2020 का है दोस्तों, पेपर वन जो होंगे इसका भी डेट फाइनल कर दिया गया है कि 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में पेपर वन एग्जामिनेशन होंगे सीपीओ का। हालांकि एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी कब से फॉर्म फिलअप किया जाएगा अभी इसका डेट नहीं निकाला गया है, बट ये डेट एग्जामिनेशन का डेट दोस्तों फाइनल कर दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी इसका बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट जरूर हो जाएगा। एंड दोस्तों आगे देखेंगे 9th में दिया हुआ है कांस्टेबल मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। इसका भी दोस्तों देखेंगे, इसका भी एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं 27 नवंबर, यानी आप देख रहे हैं दोस्तों नवंबर में एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा है, लगभग सारे एग्जामिनेशन का डेट नवंबर में ही रखा गया है। तो इसका डेट जो है दोस्तों 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक। एंड दोस्तों यहाँ देखेंगे पेपर टू जेई का, पेपर टू का ये एग्जाम डेट रखा गया है 31 जनवरी 2021 को दोस्तों। पेपर टू, पेपर वन की चर्चा ऊपर की गई है। एंड नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है CHSL 2019 का टीयर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी दोस्तों यहाँ रखा गया है 2021 में 14 फरवरी को लिया जाएगा, राइट। 2021 में 14 फरवरी को CHSL का टीयर टू एग्जामिनेशन होगी, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर फरवरी में 14 तारीख को होगी, राइट। एंड नेक्स्ट देखेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर टू का एग्जामिनेशन दोस्तों 14 फरवरी 2021 को ही होगी। एंड आगे देखेंगे जेई का, देखेंगे दोस्तों जेई का एग्जामिनेशन 2020 का, ना कि 19 का ऊपर चर्चा हो गया है, 2020 का दोस्तों पेपर वन होगी। यहाँ देखेंगे फॉर्म फिलअप 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, अगले महीने के यानी अक्टूबर के 1 तारीख से स्टार्ट हो गया, यानी पूरे महीने आपको टाइम मिल रहा है, 30 अक्टूबर तक आपको टाइम मिल रहा है दोस्तों। और इसका एग्जामिनेशन डेट रखा गया है जेई का 2020 का एग्जामिनेशन 2021 में होगी, वो ही 22 मार्च से 25 मार्च के बीच में, ओके। एंड नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है सीपीओ यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस 2019 का पेपर टू एग्जामिनेशन 26 मार्च 2021 में होगी, राइट। एंड दोस्तों यहां देखेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का एग्जामिनेशन दोस्तों 2020 का एग्जामिनेशन है, ऊपर में 2019 का एग्जामिनेशन का डेट दिया गया था, ये 2020 का स्टेनोग्राफर का दोस्तों एग्जामिनेशन का डेट दे दिया गया है। ये कब से फॉर्म फिलअप होगा, बहुत कम समय रह गए दोस्तों, 20 दिन के अंदर आपका ये आ जाएंगे। देखेंगे, देख रहे हैं दोस्तों 10 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलअप की जाएगी, जो 4 नवंबर तक फिलअप की जाएगी। एंड इसका एग्जामिनेशन जो दोस्तों होगा वो 29 मार्च से शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी सब एग्जामिनेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी बात रहेगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है CHSL का टायर टू 2020 का एग्जामिनेशन, यानी CHSL का 2020 का एग्जामिनेशन जो है वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी दोस्तों 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक। एंड इसका एग्जामिनेशन 2021 में 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आप देख रहे हैं, नेक्स्ट है 17 में सीजीएल एग्जामिनेशन, ठीक है, सीजीएल एग्जामिनेशन 2020 यानी 2020 का सीजीएल एग्जामिनेशन टीयर वन, ये इसकी फॉर्म फिलअप की जाएगी 21 दिसंबर से 25 जनवरी 2021 तक। एंड इसका एग्जामिनेशन डेट दोस्तों मई में होंगे, 29 मई से स्टार्ट होंगे एंड 7 जून तक 2021 में चलेंगे। एंड दोस्तों आप देखेंगे फिर से यहाँ सीपीओ आ गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का दोस्तों, पेपर टू 2020 का, पेपर वन की चर्चा की गई है, पेपर टू का देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन जो पड़ेगी डेट जो है 12 जुलाई 2021 में होगी दोस्तों इसका पेपर टू एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों एमटीएस को देखेंगे, एमटीएस का एग्जामिनेशन 2020 का एमटीएस जो है दोस्तों जिसका पेपर वन होगा वो 1 तारीख जुलाई मंथ में और 2021 में होगी, ठीक है, यानी 1 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई के बीच
एग्जामिनेशन होगी। एंड दोस्तों ये एमटीएस का फॉर्म 2020 का फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 2 फरवरी से एंड 18 फरवरी तक आपको टाइम मिलेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे तो दोस्तों जीडी का कांस्टेबल इन कैप्स, इसका एग्जामिनेशन दोस्तों ये इसका एडवर्टाइजमेंट जो आएगी वो 25 मार्च 2021 में आएंगे एंड आपको मौका मिल रहा है 10/5/2021 तक दोस्तों, यानी काफ़ी इसमें टाइम मिल रहे हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। लगभग में 1.5 मंथ यानी 1.5 मंथ आपको समय है इसके फॉर्म को भरने के लिए, काफ़ी लंबा समय मिल रहा है इसके लिए। एंड दोस्तों इसका एग्जामिनेशन जो होंगे 2 अगस्त को 2021 से लेकर 25 अगस्त के बीच एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट होगा दोस्तों। तो देख लिए ये एसएससी का टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दोस्तों, ये दिया गया है जो लगभग मान के रखिए सारे एग्जामिनेशन टाइम पे होगी। जितना भी दोस्तों देख रहे होंगे नवंबर में जो जो डेट दिया गया है 2019 वाला एग्जामिनेशन, जैसे सीएचएसएल या फिर सीजीएल का मेंस पेपर हो या फिर आप देख रहे होंगे स्टेनोग्राफर का हो, जो नवंबर में होना है दोस्तों लगभग हम मान के रखें ये नवंबर वाला एग्जामिनेशन हर हाल में नवंबर में होगा, इसे टाला नहीं जाएगा क्योंकि समय तो बहुत कम बचा है। अगर इसे बढ़ाना होता तो इसी नोटिफिकेशन में कन्फर्म एसएससी कर देती, बट इसे अगर इस साल का जो भी एग्जामिनेशन डेट पड़ा है वो अब मुझे नहीं लगता है कि ये डिले किया जाएगा दोस्तों। 99% चांसेस है कि इसी साल में जो डेट निकला है उसी डेट में हो जाएगा दोस्तों। तो प्रिपरेशन को दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से कर ले, अपने आप को प्रिपेयर कर ले फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि समय अब बचा नहीं है और सारे डेट भी आ गए दोस्तों। तो 2019 का जो भी एग्जामिनेशन लेफ्ट रह गए थे उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर जल्दी कर लीजिए। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी इनकी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में दोस्तों, तो 2020 के लिए रेडी रहिए। ओके एंड दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी का अभी लाइक जरूर कर देंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। ओके दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।